पुछो था इतजाज अदा मसलो यो आ असा कांटेक्ट एम्प्लॉइज आयो जको मन तक 20 25 30 साल का जको असा ड्यूटी था पयो कयो आई कांटेक्ट नहीं दो तो बस असा घुराइंदा बाबा ठीक है कांटेक्ट न ता ड्यूटी हले दी भाई हाने 28 जून ते इनन को एकड़ो लेटर कडियो आ उने मन चो बा कांटेक्ट खत्म आ उने का पो जको फर्दर जको आयो तो ता बुधाइना थी 1 अगस्त ते इनन असा घुरायो साइन न था कराइन बाबा असा मथो मन कयो जने ता असा केस कोर्ट में हलन था पया कोर्ट में भी जो इन मान 2021 में एक सीओ साहब आयो ब्रिगेड साहब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ब लेटर कढ़िया बाबा जो एम्प्लॉइज आके पटिशन नॉन पटिशन सभी परमानेंट कर छोड़ो लेटर भी असा प्रूफ तौर पर ये सब अस प्याल उन्होंने आया इनके बाबा असा डोटी रुटी बाबा असा मत मना किया भला मना किया तो असा रिटिन में दियो रिटिन में चंदा असा मन वर्बली मनो हाँ वर्बली असा स्कूल था वो चंदा ड्यूटी को इतने चवन बाबा असा मत मन उन असो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वजीर आजम सदर के वजीर आजम अला अपील है तो मेहरबानी कर असा इंसाफ कर वे जैसे हाँ मिस अस मिस आलिया वेचारी 88 का कम कहती अचे साई आ 94 का कम तो अच्छे वीह पंजवीह टीह साल थिया हींअर असांजी उमिरि माना 50 खां मथे थी वई आहे हींअर असांखे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जे किथे कम असां कमु नथा करे सघूं केतिरा स्कूल आहिनि तक़रीबन 5-7 तक़रीबन 13 इदारा हींअर उन्हनि मां हुननि ख़तमु करे 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 हींअर 4 या 5 इदारा बचाया आहिनि केतिरनि उस्तादनि खे हिननि जवाबु ॾिनो आहे तक़रीबन 60-70 इदारा पहिरियों त घणा वीचारा कुझु पोइ थिया कुझु हुनखे रिटेज कयो हींअर टोटल जेके असां कॉन्टेक्ट एम्प्लॉइज आहियूं डेली जे कॉन्टेक्ट ते टोटल 60 एम्प्लॉइज आहियूं जंहिंमां 60 खे हुननि जवाबु ॾेई छॾियो आहे उहो लेटर बि असां उहो लेटर हर शइ असां वटि पियल आहिनि पोइ बि जेको हिनखे चवंदा हिननि असांखे इहो चयो उन करे असां मजबूर थी असां एहतजाज ते वेठा आहियूं ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे और इन्होंने बगैर किसी वजह के हमें यहाँ से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और वर्बली इन्होंने 28 जून को इन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो है प्रोसेस में है इन प्रोसेस है और उसके बाद फिर जब हम लोग आई सुबह आए तो इन्होंने हमें मना कर दिया और उसके अलावा अगर हम कहीं भी नियोजक अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आप PIED स्कॉलर हैं सब कुछ है लेकिन आप एजिड हैं हम आप लोगों को अब नहीं अपॉइंट कर सकते गवर्नमेंट की सतह पे तो मेरी बिलावल साहब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और जितने भी हमारे गुजरा हैं उनसे अपील मैं करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा हमारा भी इंसाफ करें एक हमारी जॉब नहीं ऊपर से बिजली के बिल गैस के बिल घर के रेंट बच्चों के एजुकेशन हम किस तरीके से इसको पूरी करें और मेरी शहबाज शरीफ साहब से ये है कि आप कह रहे हैं कि हम जॉब्स देंगे आप कैसी जॉब्स दे रहे हैं कि हम लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने आकर किस तरह की जॉब्स आप हमें दे रहे हैं खुदारा खुदा के वास्ते अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टील बंद है तो आपके पास इतने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं हम तमाम जितने भी टीचर्स को चल रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के जिन टीचर्स को निकाले उनको या तो आप गवर्नमेंट सिंध में ट्रांसफ़र करें उनकी सर्विस को या वफाक मिनिस्ट्री में करें हमारी आपसे इल्तजा है खुदा के वास्ते क्योंकि अब हम जिस एज में कोई इदारा हमें नहीं लिया एहतजाज की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ की जा रही है ये गलत तरीक़ाकार है इनका किसी भी इदारे के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है आप जो है हमें कम से कम हमारा कसूर बताएं हमें आपने यहाँ से एजुकेशन से क्यों निकाला हम इन एजुकेशन के अंदर 20-25-25-30-30 साल से जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो है दे दी हैं अभी हमारे बच्चे हैं हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करें कि 40-45 साल हमारी उम्र हो चुकी है हम में कोई 50 साल की एज का बंदा है और जो है हम अपने बच्चों के लिए क्या स्ट्रगल करें उनके मुस्तकबिल के लिए क्या स्ट्रगल करें उनको किस तरीके से हम तालीम अच्छी दिलाएँ कि हमें ही बेरोज़गार कर दिया गया है और हमें जो है रोड़ों पर जो है भटकने के लिए भेज दिया गया कि हम जो है लोगों से भीख मांगते फिरें जो हम इस इन इदारों के अहदेदारानों को ये जो बच्चे आज इदारों के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं इन इदारों के अंदर जो ये बच्चे जो है ओहदों पर बैठे हुए हैं और इन ओहदों का जिम्मेदार कौन है एक टीचर है जिससे पढ़ कर गए हैं और उस उस्ताद की ये कदर कर रहे हैं कि उसे जो है रोड़ों पर जो है अभी इंतजामिया क्या कर रही है अभी इंतजामिया की तरफ से जो है हमें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं वर्बली अहकाम है कि आप जो है ड्यूटी पर ना आए
तो ये इनकी तरफ से अहकाम जारी हुए हैं। कोई हमें जो है अभी तक जो है इन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है, ना हमारे साथ किसी ने आके बात की है, ना कोई इन्होंने रीज़न बताया, ना अगला कोई लाया अमल बताया कि भाई हम आर्जी तौर पे आपको जो है मना किया है, हम आपको रखेंगे, इस किस्म की कोई हमारे साथ बात नहीं की इन्होंने। मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए। हम यहाँ पे 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमें किसी बगैर वजह के निकाल दिया गया है। ना हमें कोई लेटर दिया गया, ना हमारे हाथ में कोई तहरीरी कोई कागज़ दिया गया। बस ये कहा गया है कि आप लोग 30 जून के बाद नहीं आएंगे। छुट्टियों के बाद हम लोग स्कूल आएँ, हमें हाजिरी लगाने नहीं दी गई है, ना ही हमें कुछ बताया गया कि आपकी जॉब क्यों ख़त्म की गई है। बराए मेहरबानी हमें हमारी जॉब पे वापस बुलाया जाए और हमारे सारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। अच्छा, कितने स्कूल मुतासर हो रहे हैं, कितने बच्चे मुतासर हो रहे हैं? 1500 से ज़्यादा 5 स्कूल मुतासर हो रहे हैं और 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरे अकवाम में तालीम को अहमियत दी जाती है और यहाँ पे असातिज़ा की ये इज्जत है कि वो यहाँ पे सड़क पे बैठ के अपने लिए एहतजाज कर रही हैं। ये हमारी इज्जत है असातिज़ा की। 10-10 साल हमने इस इदारे को दिए और आज हमें बोलते हैं कि आप लोग चले जाएँ ऐसे बगैर किसी तहरीरी कागज़ के। हम इस तरह कैसे किसी इदारे को छोड़ सकते हैं? हमें बाकायदा पूरी सिचुएशन बताई जाए और हमें हमारी जॉब पर वापस बुलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम धामना है, मैं पाकिस्तान सील का साहब का डिप्टी मैनेजर हूं और मुझे पता है कि सीओ साहब का सीओ ब्रिगेडियर शुजा हसन खारजमी ने इन टीचर्स को परमानेंट करने का लेटर निकाला था और इनको मुबारकबाद भी दी थी, मगर बाद में चूज एंड पिक के